कैसे हैं आप सब? यहाँ कैसे आना हुआ? हम सब ठीक हैं। कृषि रक्षक भाई, बीमा एजेंट जब गांव आए थे हमारे घर बीमा कराने, तब हम घर पर थे नहीं, पास के गांव में उत्सव में गए हुए थे। हाँ, इसलिए हमने सोचा आज खुद ही यहाँ आकर फसल बीमा पंजीकरण करा लें। साथ ही हमें अपने बैंक में भी कुछ काम था। अच्छा किया आप सबने, पर सभी जरूरी कागज तो लाए हैं ना? हाँ, फिर भी आप एक बार बता दीजिए तो हम जांच लें। हाँ कृषि रक्षक भाई, और मैं तो बटाई पर खेती करती हूँ, तो जरा देखकर बता दीजिए। देखिए, खेतीहर की जमीन अपनी हो या वह बटाई पर हो, ऋणी किसान हो या गैर ऋणी, सबको अपने बैंक अकाउंट के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो देनी ही है। मैं तो जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहा हूँ। हाँ, आपको भी ये दोनों देने ही हैं। अब इसके साथ जिन किसानों की अपनी जमीन है, उन्हें भूमि अधिकार संबंधी जरूरी दस्तावेज जैसे आरओआर यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एलपीसी यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। बटाईदार किसान क्या दें? बटाईदार अथवा किराए पर खेत लेकर खेती करने वाले किसानों को अपने और जमीन के मालिक के बीच बने समझौता पत्र जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, वह देना होता है। चलो जान में जान आई, सब दस्तावेज हैं हमारे पास भी। बहुत अच्छे, तो देरी किस बात की, अंदर जाइए और पंजीकरण कराइए। साथ ही यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सभी साथी किसान भाई बहनों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।